क्यों रोका मुझे? क्यों फेंकी सारी दवाइयाँ? तुम अकेली नहीं, एक बच्चे की माँ, अपना नहीं तो कम से कम उसका तो सोचो। जिस अनजान और अजनबी खानदान के आप कसीदे पढ़ रहे हैं, वो साल 6 महीने में इफ्रा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर नहीं निकाल देंगे? आशिर बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है? शादी से एक दिन पहले फुरकान ने निकाह नामे में 25 लाख का हक महर लिखवाने का मुतालबा कर दिया है, ये कोई जायज बात है? हमें हक महर को तो छोड़े, लेकिन फुरकान भाई ने ये जो प्लॉट की बात की है, इसने मुझे परेशान कर दिया। प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये घर है, मैं ये घर किसी भी सूरत में इफ्रा के नाम नहीं कर सकता। बेटा ये बात तो है ही परेशानी वाली, निकाह से एन पहले घर की डिमांड, इतना ज्यादा हक महर, दाल में कुछ ना कुछ काला है। काला तो क्या, मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है बाजी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, कल निकाह है, सारे लोग आएंगे, खानदान वाले आएंगे, कुछ उलट पुलट हो गया तो कितनी जगह सही होगी। वाकई परेशानी वाली बात तो है। शिफ्रा का भाई पहले तो कोई नहीं था, ये अब अचानक से भाई कहां से आन टपक पड़ा, और वो भी ऐन निकाह के वक्त पर, शर्तें लेकर। आशिर भाई, आप जाके फुरकान भाई से बात करें ना, इस मसले को बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। बातचीत वहां होती है बीबी, जहां कोई सुनने वाला हो। यहां तो वो लोग आए, आकर हमें हुक्म देकर चले गए। इफ्रा का भाई तो मुझे इस घर के चक्कर में लगता है। तौबा, बहुत लालची लोग लग रहे हैं मुझे। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे मानूर के ससुराल वाले और इन लोगों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं लग रहा। देखिए आलिया बाजी, मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई, अब खुदा के वास्ते आशिर को बर्बाद होने से बचा ली। अरे खाला, आप कौन सी बात कहाँ जोड़ रही हैं? मानूर के ससुराल वालों को तो कोई जानता तक नहीं था। हम यहाँ इफ्रा की बात कर रहे हैं, जिनको हम सब जानते हैं। जावेद भाई, समरा भाभी, हम सब उनसे मिल चुके हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी फुरकान भाई ने कोई गलत मुतालबा नहीं किया। अरे अदीना, तुम कल की बच्ची हो बेटा, ऐसे लोगों की चालबाजियां तुम कैसे समझ सकती हो? हम जो भुगत चुके हैं वो हमें मालूम है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। बाकी आलिया बाजी, आपकी मर्जी है, जो करना है कर लें। आप आशिर को अंधी खाई में धक्का देना चाहती हैं तो दे लें, मैं क्या कर सकती हूँ? तो तुम ही मुझे बताओ ना कि इस नाजुक मौके पे मैं क्या करूँ। आशिर की यहाँ शादी मत करें। आशिर को कौन सी लड़कियों की कमी है, एक से एक लड़की मिल जाएगी। बस इसी तमाशे की कसर बाकी थी, कल निकाह है आशिर भाई का, आप लोग जाके बात क्यों नहीं कर रहे लड़की वालों से? मैं मानूर के पास जा रही हूँ। लेकिन आलिया बाजी, एक बात याद रखिए, कल को आशिर के साथ शादी के बाद कुछ बुरा हो गया ना, तो मेरी तरह किस्मत को कसूरवार मत ठहराइएगा। मुझे तो लगता है कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे अम्मी, हौसला करें, परेशान नहीं हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप बस इफ्रा की जगह मुझे रख के देखें, और आशिर भाई, फुरकान भाई की जगह खुद को रख के सोचें, क्या आप लोग परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बेटियां और बहनें सबको प्यारी होती हैं, और माँ बाप उनके नसीब से डरते हैं, जिस तरह फुरकान भाई डर रहे हैं। अम्मी परेशान मत हो और इतना मत सोचें, इंशाल्लाह सब खैर होगी। तुम ठीक कह रही हो, ठीक है, मैं बात करती हूँ। Ooh.
कुछ नहीं यार, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी खूबसूरत भी। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिली। तुम्हें देखता हूं तो यूं लगता है जैसे खुदा ने इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे खरीद के छोड़ दी। तुम जानती हो जब तुमने निखान हमें पे दस्तखत किए तो वो मोहर घास के टुकड़े पर नहीं मेरे दिल पर लगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए? मैं तुमसे वादा करता हूं सारी जिंदगी इसी तरह तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी इज्जत करता रहूंगा, हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा। आशीर बेटा, आशीर बेटा, जल्दी से बाहर आओ, मानूर बेहोश हो गई है। आशिर से मंगनी करने के बाद बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना तुम, किसी खुशफहमी में मत रहना। आशिर पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है और सारी जिंदगी मेरा रहे। तुम्हें क्या पता आशिर और मैं हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। आशिर को तो मुझे देखे बगैर उसकी सुबह सुबह और शाम शाम नहीं होती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के कई ख्वाब भी देखे। खुदा के लिए मेरे और आशिर के दरमियान में से चली जाओ। तो रिश्ता, रिश्ता माय फुट। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम आशिर से शादी करने में कामयाब हो जाओगी? कभी भी नहीं। मेरी बहुत जल्द डाइवोर्स हो जाएगी, फिर मैं और आशिर एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। होगा वही जो मैं चाहती हूं, समझी तुम? इफ्रा, तुम वाकई एक बहुत अच्छी लड़की हो। खाला और अदीना के मुंह से तुम्हारी खूब तारीफें भी सुनी है, लेकिन मुझे तुम पे इस वक्त बहुत तरस आ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम चाहकर भी आशिर के दिल में घर नहीं कर पाओगी। हम समझ नहीं पा रहे। जैसे तुम आशिर की जिंदगी में आई हो ना, वैसे ही खामोशी से चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल भी जाओ, वरना सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया, लेकिन आशिर के जिंदगी में आने का फैसला सिर्फ हमारा नहीं था। लेकिन आशिर की जिंदगी से जाने का फैसला खालिस आशिर का ही होगा। आशिर अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है। उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसकी आंखों में आज भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत है। उसके दिल की धड़कनें अभी भी मेरा ही नाम लेती हैं। मेरी आंखों में देखो, अभी भी मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आशिर का ही अक्स है। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो ये देखो, ये तस्वीरें देखो, तो ये देखो, ये सारी तस्वीरें हमारी, ये देखो। मुझे आशिर ने खुद बताया, खाला अपनी मर्जी से वहां गई थी, आशिर की मर्जी से नहीं। इतनी अकल तो तुम में भी होगी कि तुम इस बात को समझ सको कि जब दिल की मर्जी के उलट कोई काम किया जाता है तो उसमें दिल का ही खून होता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल का खून हो। फर्ज कर, खाला के दबाव में आके आशिर तुमसे शादी कर भी, तो तुम्हें क्या लगता है आशिर तुम्हें कबूल कर लेगा? सिर्फ सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है कि वो तुम्हारा हो जाएगा। वो मुझे चाहता है, हमेशा से ही वो मेरा था और मेरा ही रहेगा।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम एक जज्बात से खाली शख्स जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत ना हो उसके साथ जिंदगी गुजार पाओगी, एक जिंदा लाश के साथ? नहीं ना। गॉड से एक इफ्रा, मेरे और आशय के दरमियान में से चली जाओ। तुम जवान कुंवारी भी हो, खुद शकल हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। मेरी तरफ देखो तो मैं एक बच्चे की माँ हूं, बहुत जल्द तलाक याफ्ता भी कहलाऊंगी। मुझे कौन अपनाएगा, कौन कबूल करेगा मुझे? हाँ, कोई नहीं अपनाएगा। मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा? सिर्फ और सिर्फ आशिर, आशिर मुझे कबूल करेगा। तुम्हारे लिए तो कोई भी अच्छा लड़का अपने दिल के दरवाजे खोल देगा इफ्रा। तो इनकार कर दो इस रिश्ते से, मेरे बारे में तो सोचो, मेरा हाल तो देखो। तो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम भला क्या कर सकते हैं? इफ्रा, तुम बस आशिर से शादी के लिए इनकार कर दो। तुम नहीं जानती ये मेरे लिए और आशिर के लिए कितना बड़ा इनाम होगा। तुम दो मोहब्बत करने वालों पे कितना बड़ा एहसान करोगी। दो मोहब्बत करने वालों के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, मेरे बच्चे को बाप का नाम मिल जाएगा। हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। आप चले जाइए यहाँ से। ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो, किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है, बताओ मुझे। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो हमसे हुई है। आप माफ कर दीजिए हमें। इफ्रा, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। कहीं तुम उस बात पर तो नहीं नाराज हो जो उस दिन मैं खाना खाते छोड़कर चला गया था? हमने कहा ना, हम आपके सवाल के जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। हमें आपसे शादी नहीं करनी। आप हमारी तरफ से इनकार समझिए। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो तुम? हमारी शादी तय हो चुकी, मेरी अम्मी खुद आएंगी तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने। और अब इस तरह मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी हमाकत की वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। आप हमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, ना ही हम किसी और की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। चले जाइए आप हमारी जिंदगी से। और मुझे अकेले
अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें दुल्हन बने देखा भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। कुछ तीर अपनों के चलाए हुए होते हैं, जो सीधे आकर दिल पर लगते हैं। मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। I'm not afraid to die.